तो गाइस फाइनली हम लोग उतर गए, बस थोड़ा सा अंधेरा बस और बाकी ही था। मोर बोला, मोर है इस जंगल। फिर से छांव देके हम लोग रुक गए, सब लोग रुक गए। लेकिन अब एक और हार्ड चैलेंज है, पहले मार चुके हैं, अभी देखो इसके बाद हम लोग को और खड़ा खड़ा एकदम मिलेगा एकदम रास्ता। तो काफी देर गाइस यहाँ पे बैठ गए, अब देखो सनसेट हो रही वाला, देख रहे हो यहाँ से भी आ रहा है बढ़िया। तो ऊपर चढ़ते हैं, और ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, पहाड़ टू पहाड़ हम लोग को चढ़ना है। तो हे गाइस, एसपी लाइफ अपना भाई ट्रैवल सीज पूरा करने के लिए आज तैयार है। तो शाम में एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन जा रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं और मांझी पहाड़, और बाकी का पूरा लोकेशन उस पहाड़ का वहाँ जाकर दिखाएंगे भाई। ब्लॉग में पूरा लोकेशन आएगा और रील पे सिर्फ वहाँ का ब्यूटी आएगा, और पूरा लोकेशन अगर जानना है तो भाई ब्लॉग यही आएगा। तो बस बने रहो, अभी निकलते हैं। चार दोस्त लोग आज जा रहे हैं हम लोग, चार लोग आए हैं। तो बस गाइस एंजॉय करो ब्लॉग को, और भाई प्यार दिखाना एकदम मत भूलना गाइस। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, धूप है, तो अभी सनसेट दिखाएंगे, वहाँ का बेस्ट सनसेट दिखाएंगे। बाकी भाई ब्लॉग एंजॉय करो। वो देखो गाइस, वहाँ रहा मंदिर पहाड़ पे, वो रहा अपना पहला लोकेशन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, चार दोस्त, गगारी पहाड़। ये देखो, ये है पूरा गगारी पहाड़, और हम लोग को भाई ट्रेक करना है आज ये पूरा पहाड़ ऊपर तक, और फिर सनसेट समय तक रहेंगे। सनसेट में दिखाते हैं भाई व्यू, सनसेट व्यू के लिए खास कर आया यहाँ पर, और ये बहुत अच्छा लोकेशन है ट्रैक के लिए। बाकी अगर सावन में जाओगे तो ऊपर मंदिर है भोलेनाथ का, तो सावन में ही बस ऊपर में भीड़ रहा था, बाकी ये खाली रहेगा। लेकिन तो अच्छा, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करना पड़ रहा है इधर। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं पहाड़ चढ़ने, पहाड़ चढ़ना भी शुरू करेंगे। अरे रु, चाबी तो दे गाड़ी का, ड्रिंक लाएं। अरे ड्रिंक नहीं लाए यार, पानी लाए थे। अरे ड्रिंक लेना भूल गए, बहुत ऊपर चढ़ना है, लगेगा ही। तो गाइस ट्रेक अपना शुरू हो गया, सिर्फ एक पानी का बोतल, हम लोग रास्ते में सॉफ्ट ड्रिंक लेना भूल गए, और कुछ स्नैक्स लेना भूल गए, पता नहीं क्यों भूल गए, पर भूल गए। और ज़्यादा तेज चढ़ रहा, बीच में देखना रुक जाएगा, वैसे वो एक बार आ चुका है। चार लोग, बाइक स्कूटी हम लोग वहीं लगा दिए हैं, बस चोरी ना हो तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता। ये बढ़िया पार्ट है, यही सबसे बढ़िया शेडेड पार्ट है, जो पूरा ढका हुआ है, आगे नहीं दिखेगा। इतना कम स्टेमिना तो नहीं हुआ, रोज क्रिकेट खेल रहे हैं तुम लोग। इस ट्रैक के दौरान हम लोगों को जंगली जानवर भी देखने को मिल रहे हैं। शेर देखो, ये देखो क्यूट शेर लोग हैं। हाँ देखो कहाँ, अभी तो पहाड़ दिख नहीं रहा हम लोगों को कहाँ चढ़ना है, लेकिन चलते जा रहे हैं। थक गया क्या रे, कुछ बोल भी नहीं रहा है। देखो अब जाके हम लोग को मंदिर देखना चालू हो गया है, और इधर से रांची भी दिखना चालू हो गया है। अच्छा खासा दूरी तय कर ली हम लोग, और पानी भी एक ही बोतल लाए यार, शाम तक रुकना है, सनसेट दिखाना है, और पानी एक ही बोतल लाए, वो भी छोटा बोतल। मानसून के समय ना ये सब पूरा पानी बहता होगा, देखो तभी ऐसा गिट्टी पत्थर तभी होता है जब मानसून से पानी बहता हुआ नीचे हो तबे, क्योंकि सिर्फ चलने वाला तो भाई मिट्टी रहता, लेकिन पानी बहता तो मिट्टी से गिट्टी निकाल देता है, चलता है। वो बीच में हम लोग रेस्ट करने के लिए बैठे हुए थे, तब तक में मेरा दोस्त विकास गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया भाई साहब, घने जंगल। ये देखिए सबसे आगे आगे भाग रहा था। अरे बाबा, पत्थर है, पहाड़ टाइप दिख रहा है आप सब देख जाना वहाँ पे ऊपर। हवा सनसेट होने दो, बस बहुत तगड़ा आएगा। आ जाओ आ जाओ, नेटवर्क नहीं जाएगा, ऊपर तक रहता है या ये अच्छा बात है। इधर के गांव वाले 5G के शौकीन हैं, इसी वजह से नेटवर्क भी रहता है। फिर से छांव देके हम लोग रुक गए, सब लोग रुक गए।
अभी तो नहीं दिख रहा पहाड़, लेकिन दो किलो ऊंचाई जो दिख रहा वही है। पानी है निकालना। वी आर फिर से एक्टिव, फिर से हम लोग चढ़ चुके हैं, शुरू कर दिया। बाकी अभी धूप वाला तो रास्ता नहीं है, धूप वाला थोड़ा सा रास्ता ख़त्म हो गया, लेकिन अब एक और हार्ड चैलेंज है, पहले मार चुके हैं। अभी देखो इसके बाद हम लोग को और खड़ा खड़ा एकदम मिलेगा एकदम रास्ता, उसमें चढ़ना मुश्किल होगा लेकिन वर्थ इट होगा यार ये सब चढ़ना। अभी त्रिवेणीपुरम दिख रहा था, उसको बहुत चूल्हे जानता है। सब एनर्जी जाने में खर्च कर ले, नहीं उतरने में थोड़ी एनर्जी लगता है, उतरते वक्त एनर्जी का लगेगा यार। उतरते वक्त तो बस ये है कि तुम फिसल ना जाओ, कंट्रोल करना पड़ेगा उस वक्त, वही ना। हाँ सीधा, हाँ सीधा चढ़ाई है, देखो अचानक से कितना नीचे। वो हमारा एक साथी बहुत पीछे ही छूट जा रहा है। हाँ इस पेड़ जहाँ ख़त्म होगा ना, मतलब ये सब छाँव, उसके बाद समझ लो अपना हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, लेकिन बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। सनसेट में फिर भी आधा घंटा एक घंटा फिर देरी रहेगा। तो सब मिल गए एक साथ पहुँचने वाले हैं, तो अब हम लोग को सीढ़ी जैसा चढ़ना पड़ रहा है, पूरा पत्ता गिरा हुआ है और सीढ़ी जैसा चढ़ना पड़ रहा है, पत्थर टू पत्थर, नहीं तो फिसल रहा बहुत ख़राब, चप्पल में आ भी गए। हाँ। Come on boys, few meters or more. अरे तेरी, चलो पहुंच गए फाइनली, कुछ सा सफर और। ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है इधर से ज़्यादा। पहुंच गए हम लोग, पहुंच गए, यही वो लोकेशन है, वो भी आ गया। अब बस सूरज के ढलने का इंतजार करना होगा गाइस, जो लोकेशन में हम आए हैं, जो लोकेशन हमको दिखाना है। हाँ ये देखो हम लोग पहुँच गए हैं ये लोकेशन, और यहाँ पे बोला था ना मंदिर भी है, तो ऊपर भी है भाई मंदिर मेन, लेकिन यहाँ बस पूजा ना मान लो कि सावन में होता है और कभी कभार होता है, मतलब लोग बस सावन में ही आते, लेकिन आते भाई इतना ऊपर चढ़ के पूजा करने सावन में, सोचो। बट यहाँ घूमने के लिए भी आ सकते हो। तो काफ़ी देर गाइस यहाँ पे बैठ गए, अब देखो सनसेट हो रही वाला, देख रहे हो यहाँ से भी आ रहा है बढ़िया, तो ऊपर चढ़ता है, और ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, पहाड़ टू पहाड़ हम लोग को चढ़ना है, देखो वहाँ पर मंदिर तक। चलो तो हम लोग पैस पहुँच चुके हैं टॉप फाइनली, नज़ारे देखो, ये तो इधर का हुआ, बाकी अब सनसेट का दिखाते हैं। ये देखो गाइस, बस वही सनसेट अगर इधर रहता ना तो और बढ़िया दिखता था। चश्मा तू लिया करे? नहीं हम नहीं लाए। तो गाइस लोकेशन तो है ही ब्यूटीफुल, बट यहाँ पर मंदिर है भोलेनाथ जी का, ये देखो जो पूरी तरह से नहीं बंद है, लेकिन बोले थे ना सावन में लोग आते हैं यहाँ पर पूजा करने, कितना ऊपर तक चढ़ते हैं, ये देखो व्यू ये भाई तो हम लोग कीवी से पड़े हैं, हम लोग को आधा लोग एक ही आदमी जानता है, ये देखो ठीक है अच्छा चल। एसपी को 30% दे दिया जाएगा क्योंकि लेके आया है। थैंक्स। गाइस ख़त्म हो गया, अब हम लोग का उतरने का समय हो गया, क्योंकि अब सूरज भी ढल चुका है, ये देखो सिर्फ आर्क अब थोड़ा देर में और बढ़िया निकलेगा, लेकिन उतना रात तक रुकेंगे नहीं, पहली बार है तो ज़बरदस्ती नहीं। ये देखो नाम लिखा है, यही सब जो है प्रकृति बर्बाद करता है। तो निकल चुके हैं, छोड़ चुके हैं अब ये जगह हम लोग,
अब घर जाके भाई इसका प्रॉपर एकदम रिव्यू दे देते हैं और इसका लोकेशन बता देते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग उतर गए, बस थोड़ा सा अंधेरा बस और बाकी ही था। मोर बोला, मोर है इस जंगल में बहुत काफी, बस कर पगले। तो पहुंच गए हम लोग नीचे, बाइक और सेफ है हम लोग का। देखो तो मयूर का आवाज सुना है। तो गाइस घर आ चुके हैं और भाई लोकेशन डिटेल बता दूँ तो गगारी पहाड़ ओरमांझी बाहर जान जाओगे और फिर रास्ता बता दे रहे तो ओरमांझी थाना के जस्ट बगल से एक रास्ता जाता है, जस्ट बगल ओरमांझी थाना और इसके जस्ट बगल से एक रास्ता जाता है, वही रास्ता को फॉलो करते हुए थोड़ा जाना पड़ेगा अंदर 2-3 किलोमीटर अंदर सामने दिखेगा भाई रास्ता। तो लेकिन भाई जगह एक नंबर है, बताया ना ऊपर मंदिर है शंकर भगवान का, तो वहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर में सावन में बहुत भीड़ रहता है, बहुत भी नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ भाई दर्शन करने जाते उतना लोग, ऊपर 40 मिनट का ट्रैक है तो जा सकते हो भाई, मानसून में जाओ बहुत बढ़िया जगह, बहुत जबर भाई वीडियोस भी आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। नहीं तो सनसेट में जाओगे तो वही, फिर नहीं तो सुबह, मतलब एक मानसून है उसके लिए बेस्ट, तो उसमें जा सकते हो। तो ऐसा रहा भाई अपना पहला लोकेशन। दूसरा लोकेशन रहेगा देखो, दूसरा लोकेशन रांची में ही रहेगा, वो भी ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। पर भाई सपोर्ट दिखाओ इस लाइव को, डेली ब्लॉग के लिए सब्सक्राइब कर दो, जो भी देख रहा हो भाई 30 डे चैलेंज जो लिया हूँ डेली घूमने का, तो भाई उसको सपोर्ट दिखाओ। चलो बाय बाय, गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।